जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त तस्वीरें आप बॉम्बे पेंट एंड केमिकल प्रोडक्ट्स की देख रहे हैं और यहां पर कुछ देर पहले जो है एक हादसा घटित हुआ है, जहां पे आगजनी की घटना जो है वो सामने पेश आई है, जिसमें कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनके परिवार के कुछ सदस्य थे जिन्हें काफ़ी चोटें जो है आई हैं, क्योंकि आग लग गई थी। और अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑनर है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं अंदर की, मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर बिल्कुल आग से पूरा काला पड़ गया है। और आप नीचे की एक तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो नीचे से अगर आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं अभी भी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो अंदर हैं। और किस तरीके से यहाँ पर आग लगी, क्या लगा, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मसला है। हाल फिलहाल जहाँ पे जो काम करते हैं वो लेबर है, और लेबर जो पीछे से सामान कुछ लेने यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद यहाँ पर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और क्या कारण रहे क्या नहीं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कई लोग इसमें जो हैं वो जल गए हैं। यहाँ पर साथ ही में दूसरा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पिता हैं और वो यहाँ पर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए फिलहाल यहाँ से जो है वो रेफर कर दिया गया है और उन्हें भेज दिया गया। आप दूसरा गेट जो है साथ ही में वो लोग हैं जो लेबर क्लास यहाँ रहती है और उनकी पत्नी थी। हालांकि ऑफ द कैमरा मेरी उनसे बात हुई, वो काफ़ी परेशान हैं, आंसू भी थे आंखों में, और कह रहे थे कि मेरे पति काफ़ी जल चुके हैं। उनको खुद भी जो है बाजू में काफ़ी सारी चोटें जो हैं वो आई हैं, और उनको बाजू जो है उनकी भी झुलस गई है। लेकिन ये इस समय बॉम्बे पेंट एंड केमिकल प्रोडक्ट्स गंग्याल की बात करूं तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लेबर क्लास जो है वो काम करती है। पेंट की फैक्ट्री है, केमिकल्स की फैक्ट्री है यहाँ पर। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर आग जर्नी का हादसा जो है वो पेश आया है, और जिसमें यहाँ पर काम करने वाले कई लेबर क्लास जो हैं लोग, अभी गिनती नहीं है कि कितने लोग हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग हैं अमूमन। लेकिन ये सोर्सेज से है, जहाँ के लोग जो स्थानीय हैं उनसे ही बातचीत हुई है, उन्होंने ही ये हमें बताया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है ये आग जर्नी की हादसा जो है वो पेश आया है। हम अंदर पहले थे, लेकिन बाद में किसी ने कहा कि आप बाहर चलिए, हमें अंदर नहीं, शायद उनको किसी चीज़ का डर हो, बट अंदर से नहीं, लेकिन मैं बाहर से ही आपको ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पिता यहाँ काम करते हैं, और फिलहाल गेट अंदर से बंद कर दिया गया है। और ये चाहते नहीं कि किसी प्रकार का भी कोई इंसान जो है वो कैमरा के सामने आए, इस वजह से ऑफ द कैमरा तो बता दिया, लेकिन ऑन द कैमरा कोई भी इंसान बात करने को अभी तैयार नहीं है। फिलहाल औपचारिक जो ऐलान है कैसे आग लगी क्या नहीं लगी वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, उसके बाद जैसे ही कोई इनपुट हमारे पास पहुंचेगा मैं आप तक साझा कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त तस्वीरें गंग्याल से आपको दिखाई हैं, यहाँ पर आगजनी की जो हादसा है वो सामने आया है, और जिसमें कुछ लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। कितने लोग हैं, तादाद कितनी है, ये अभी कहना कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी क्वांटिटी नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक दो लोग जो ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसमें ये लेबर क्लास है, बाहर की लेबर है, यहाँ पर काम करती है और साथ ही में रहती है। बताया जा रहा है, ऑफ द कैमरा जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हम पीछे से कुछ सामान लेने यहाँ आए थे, देखा कि आग ऑलरेडी लगी हुई थी, हमने उस पर पानी डालने का प्रयास किया, फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसको हमने उसके ऊपर यूज़ किया, लेकिन उसके बाद एकदम से ब्लास्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो झुलस जाते हैं। और यहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनका भी हाथ जो है जला हुआ है, लेकिन वो सामने अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ऑनर्स जो हैं उन्होंने मना किया है कि आप किसी से बात ना करें। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप इस समय बॉम्बे पेंट एंड केमिकल प्रोडक्ट्स की ही देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले एक हादसा घटित हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचा दी है, और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। और यही वो जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर पड़े हुए हैं नीचे, फायर एक्सटिंग्विशर्स के आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन अब कितने लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं ये जांच का विषय, जैसे ही कोई अपडेट मेरे पास पहुँचेगा मैं आप तक साझा करूँगा। लेकिन फिलहाल सुबह का जो दूसरा अपडेट है, जिसमें दोनों जो हादसे हैं वो काफ़ी दुखद हादसे हैं, जी पहले जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी एक शख्स जो है उनकी जान चली गई थी, अब आग जर्नी हुई है, यहाँ पर कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका उपचार के लिए उन्हें फिलहाल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर रखिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम वीडियोस के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर, अगले डॉक्टर के साथ शुभम लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।